दिल तोड़ के ओ दी आई एम बैक, हंसती हो मेरा वफाए मेरी याद करोगे। मेरे प्यारो, आज का संडे कमेंट बॉक्स थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए क्योंकि आज तू नहाया है। हो गया है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं हर 10-15 दिन में नहा लेता हूं। ये संडे कमेंट बॉक्स इसलिए अलग है, नहाने की वजह से नहीं है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत समस्याएं हैं। हमारी फैमिली के सदस्यों ने अपनी व्यक्तिगत समस्याएं इसमें पूछी हैं। मेरे मेल पर, वेबसाइट पर, कई जगह पर ये कमेंट दिए गए हैं जो मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। और ये कमेंट मैं डिस्प्ले नहीं करूंगा, क्योंकि कईयों ने गुजारिश की है कि हमारे नाम न जाएं। क्यों नाम न जाएं? वो जब कमेंट पढ़ूंगा तो आप समझ जाओगे। तो ये इस तरह की समस्याएं हैं, आप समझ गए ना? ये वो लाभ करो, लाभ करो, लाभ गुरु। हाँ वही। नचिकेत जी लिखते हैं कि मुझे अपनी पत्नी पे शक है कि वो किसी और से बात करती है, तो क्या उसे तलाक दे दूं? नहीं भैया, पहले तुम तलाक ही दे दो, नहीं बात बाद में करना। अरे भैया दे लेना तलाक, कौन सी आफत मची जा रही है, लेकिन पहले बात तो कर लो। कभी तुम्हारा शक शक ही हो, किसी से अफेयर ना हो, कुछ भी ना हो, वैसे ही तो पहले बात कर लो। और हो भी सकता है कि ऐसा हो और वो भी आपको तलाक देना चाहती हूँ, तो ऐसी स्थिति में दोनों म्यूचुअल बात कर लो। और तलाक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तलाक तो सॉल्यूशन है। अगर दोनों की नहीं बन रही, जीवन साथ नहीं काट पा रहे हो, प्रॉब्लम है, नहीं खुश हो एक दूसरे से, तो तलाक ले सकते हो, बट बात कर लो। ऐसे सक के बिहाफ पे आप तलाक देने चले जाओगे तो गलत है मेरे भाई। ललित जी लिखते हैं कि मैं अपनी बॉस से प्यार करने लगा हूँ, लेकिन वह शादीशुदा है, मैं क्या करूँ? ललित जी पहले तो ये सुनो कि जिसको भी मोहब्बत की बीमारी लगे, 2 बच्चों की माँ भी उसको कुंवारी लगे। लेकिन एक बात ध्यान रखो, हो सकता है आपको उनसे प्यार हो, बट उनकी तरफ से भी तो कुछ देख लो, कुछ रिस्पॉन्स है, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पर अगर आपका एक तरफा प्यार है तो भाई साहब नौकरी भी जाएगी और लात भी पड़ेगी। तो थोड़ा ध्यान से, अगर आपको उनसे प्यार है तो पहले उनका रिस्पॉन्स देख लो, आपके प्रति उनके मन में स्नेह है, ऐसा कुछ लगाव है, तो बात करना, वरना भैया इस प्यार को यहीं दबा दो। एक तरफा प्यार है बहुत ही बेकार। भद्र, ये लड़की है, नाम बदला है, पूछती है कि क्या मुझे अपने बॉयफ्रेंड को डेट पर ले जाने के लिए पूछना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल पूछना चाहिए। और हो सकता है आपका बॉयफ्रेंड आपसे कह ही नहीं पा रहा हो, कभी कभी बॉयफ्रेंड मेरे जैसे शर्मीले होते हैं। नहीं मतलब कह नहीं पाते यार, होता है, मतलब वो कह नहीं पाते गर्लफ्रेंड से कि बुरा ना मान जाए। तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि ये सब बात रखनी चाहिए कि चलो डेट पे चलते हैं, ऐसे में कभी कभी बातें क्लैरिफाई रहती हैं, तो इससे आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। उनको रेस्पेक्ट देनी चाहिए और उनसे कहो कि चलो डेट पे आओ, तुम्हारा खर्चा करवाती हूँ। नहीं खर्चे वाली बात मत बोलना, मतलब घूम आना। सूरज जी लिखते हैं कि मुझे कुछ दिनों से लग रहा है मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे चीट कर रही है, यानी धोखा दे रही है, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। देखो सूरज जी, हो सकता है कि ये आपका केवल शक हो, भ्रम हो, लेकिन फिर भी आप उनसे बात कह दो, रख दो कि भाई देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा मुझ में इंटरेस्ट नहीं है और तुम किसी और को डेट कर रही हो एंड ऑल दैट। अगर ये सच है तो प्लीज मुझे साफ साफ बता देना, क्योंकि खामा खा मुझे धोखा मत देना, क्योंकि मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। और अगर सचमुच तुम किसी और से प्रेम करती हो या किसी और के साथ रहना चाहती हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे बता देना, मुझे होल्ड करके मत रखना, क्योंकि मुझे किसी और के मुंह से पता चलेगा तो फिर ज्यादा बुरा लगेगा। तो ऐसे बात को ट्रांसपेरेंट रखो, जिससे वो अपना जीवन काटे और आप अपना जीवन काट लेना। बोलो जय माता दी। ये गुमनाम भाई हैं, पूछते हैं कि मुझसे आज तक एक भी लड़की इंप्रेस नहीं हुई, मैं कैसे बताऊं कि मेरी अब तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी? मैं 23 साल का हूं और मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा है, अब आप ही मुझे कोई तरीका बताएं। देखो गुमनाम भाई साहब, सबसे पहले तो लड़कियों को रेपुटेशनल इशू बनाना बंद करो कि मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है, बताओ मैं क्या करूं। मतलब एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या, ज्यादा बनानी है क्या? ऐसा नहीं होता। हाँ पॉइंट ये है कि आपका फ्रेंड सर्कल भी छोटा है, आप रिजर्व नेचर के हो सकते हो, बट लोग, केवल लड़कियां ही नहीं, लोग आपसे इंप्रेस हो।
आपको इसके लिए अपनी पर्सनालिटी प्रभावशील बनानी चाहिए, आपको अपनी सोच पॉजिटिव और प्रभावी सोच रखनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, अच्छी मतलब नॉर्मल होनी चाहिए। हो सकता है कि आपकी सोच भद्दी हो सकता है कि आपका पहनने का तरीका या पहनावा भद्दा हो, बदबू आ रही है आप में, बेढंगे तरीके से रहते हो, तो ये चीज़ लोगों को अवॉइड करती है। आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो तो आपकी सोच पहनावा पर्सनैलिटी ये सब इम्प्रेसिव होगी तो लोग आपसे अपने आप इम्प्रेस होने लगेंगे। अगला कमेंट, ये भी गुमनाम है, लिखते हैं मैं गुड़गांव में रहता हूँ, पिछले दिनों मैं अपनी मौसी के घर दिल्ली गया, सही है, जहाँ मुझे पड़ोस में रहने वाली एक लड़की को देखते ही प्यार हो गया, देखते ही, चलो लगता है कि शायद उसे भी मुझसे प्यार हो गया है, शायद, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ, डर लगता है कि उससे अपनी फीलिंग शेयर करूंगा तो कैसे रिएक्ट करेगी, आप ही कुछ सजेस्ट करें। भाई साहब ये तो शायद वाला है ना, ये बड़ा दिक्कत करता है, इसने बहुत आशिक बर्बाद किए हैं और शायद के चक्कर में ये जो लड़के ने लड़कियों को बहुत परेशान करते हैं। बट मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो आपका शायद है, क्यों लगा आपको, एक बार देख लिया तो आपको लगा कि आपको मतलब आपसे प्यार हो गया उसको, नहीं, पहले शायद को कंफर्म कर लो। जब ये आपका शायद ऑलमोस्ट कंफर्म्ड हो जाए 80-90% आपको लगता है कि यार हाँ पसंद करती है, तब आप उससे अपनी बात रख सकते हो, कह सकते हो, हो सकता है वो आपके इनिशिएशन का इंतजार कर रहे हो। बट ये तो शायद है ना, इसको कंफर्म कर लेना। मुझे लग रहा है कि सभी लड़कों को लगता है कोई लड़की उनकी तरफ एक बार देख ले तो शायद ये मुझसे प्यार करने लगी है, कोई लड़की किसी लड़के की फोटो को लाइक कर दे तो शायद ये मुझसे प्यार करने लगी है, मतलब इतना सा बहुत है उनके लिए कि वो मुझसे प्यार करने लगे, क्योंकि ये शायद जो है बड़ा खतरनाक है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी यदि आप उनके मन में उसके प्रति अच्छे भाव हैं तो आप प्लीज कंफर्म करें, तब उनसे आप बात रख सकते हैं अपनी, वो बेटर रहेगा। और अंतिम कमेंट है मनोज जी का, वो लिखते हैं कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूं उसे किस करना चाहता हूं पर कैसे शुरुआत करूं समझ नहीं आ रहा। मनोज जी एक बात बताऊं, आप जिससे प्यार करते हो जरूरी नहीं है कि उसे किस ही किया जाए, बट फिर भी ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसे आप ऑटो मोड पे छोड़ दो ज्यादा बेहतर है। और आपको इसी बीच एक सलाह भी देना चाहूंगा कि आप जब अपनी बात रखें अपनी गर्लफ्रेंड से, यदि आप दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो, शादी करना चाहते हो या जो भी है, तो ऐसे में आप उनके सामने अपनी बात रख सकते हैं। बट यदि वो मना कर दें तो प्लीज ब्लैकमेल वगैरह करके प्रेशराइज मत करना कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। आजकल देखा ना ये हो रहा है कि फोटो दे दो नहीं तो बात नहीं करूंगा, किस दे दो नहीं तो बात नहीं करूंगा, यहाँ चले हो नहीं तो रिश्ता टूट गया एंड ऑल दैट। ये जो ब्लैकमेल वाला प्रोसेस चला रखा है ना, प्लीज ये मत करना। आप सभी लड़कों को ये सलाह है कि ये जो हवस का नंगा नाच मचा रखा है ना आपने, इसे बंद कर दो। आपकी गर्लफ्रेंड यदि आप उसकी केयर करते हो, उससे प्रेम करते हो, तो उससे वही तो कराओगे जिसमें वो कंफर्टेबल है। मतलब अगली कंफर्टेबल नहीं है या लड़का कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या जो भी इससे भी आप प्रेम करते हो उससे वो काम कभी मत कराओ जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप अपने स्वार्थ के लिए अगले का या अगले का कंफर्टेबल ही कुर्बान कर देते हो और आपको चाहिए कि नहीं भैया मुझे तो करना ही है, तो ये गलत है भैया, ये प्यार नहीं ये हवस है। तो बस भैया आज का सेशन खत्म, और यदि आपकी भी ऐसी कुछ समस्या है तो आप tdfamilytalk@gmail.com पे भेज सकते हैं, किसी एक संडे सभी कमेंट या मेल उठा लिए जाएंगे और आपकी समस्याओं का हल अपनी तरफ से मैं देने की कोशिश करूंगा। और बस हो गया, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दिल की प्यारी प्यारी बातें कमेंट में बता देना, कर लेना हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो, और हमारे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि एक मिनट फोन आ गया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ बाबू, ना कुछ नहीं, अब मेरा बाबू गुच्छा हो गया। एक मैं एक वो और शाम में कई, चांद रोशन थे तब आसमां में कई। एक मैं एक वो और शाम में कई, चांद रोशन थे तब आसमां में कई। यारियों का वो दरिया उतर भी गया। भाई मुझे एक बात समझ नहीं आती, शादियों में लोग ये क्यों कहते हैं कि खाना खा के जाना, अरे उन बिचारों को क्या पता हम खाना खाने ही आते हैं? नहीं, और हाथों में बस रेत ही रह गई, कोई पूछे के है, कोई पूछे के हमसे खता क्या हुई, क्यों खफा हो गए देखते देखते।
आते जाते थे जो सांस बनके कभी, आते जाते थे जो सांस बनके कभी, वो हवा होगी।